पीछे पुलिस वाले भैया से पूछ के आए हैं कि बस कहाँ से मिलेगी। मैं कहीं भी जाती हूँ मैं किससे कुछ नहीं पूछती, मैं सीधा पुलिस वालों से पूछ लेती हूँ कि सर यहाँ जाना है कैसे जाएं, क्योंकि वो कभी भी गलत नहीं आपको सलाह देंगे, मुझे सही सलाह देंगे। इसलिए जय हिंद जय भारत, राधे राधे। तो देखो संतरी बसों को लाल बस कहते हैं, दोनों लाल बसें मथुरा जा रही हैं, वृंदावन नहीं जा रही। ये पीछे एक और आई है, ये भी मथुरा जा रही है। वृंदावन की बस का इंतज़ार करते हुए बस स्टॉप की सड़कों पे, तो बस स्टॉप के बाहर की सड़कों पे गोवर्धन से थकने के बाद बस में खड़े होके आए हैं। नो फोटोग्राफी। लो जी यहाँ से एंट्री हो गई है कहीं मंदिर में, तो हम लोग इसी बस से आ गए हैं, खड़े होके आए हैं। लेकिन हमने देखा कि प्रेम मंदिर चलते हैं अभी, क्योंकि फिर रात को लाइटिंग हो जाएगी, तो ये जो दिन में दिख रहा है ये नहीं दिख पाएगा, तो इसलिए प्रेम मंदिर में देखो पीछे से एंट्री कर लिया मैंने। और ये साइड का जो भी नज़ारा है ये आपको मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी शूट किया हुआ, क्योंकि फ्रंट में फिर मज़ा नहीं आएगा। बहुत सुंदर है ये देखो, है ना। यहाँ सामने से मैंने एंट्री की है और ये आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ। और ये यहाँ की सुंदरता है, ये देखो कमल का फूल बना रखा है पेड़ों के से, हरियाली हरियाली हरा के देखो हमारे कान्हा जी। ये देखिए कोई ना कोई बीच में आ जाता है वीडियो के, तो आप माइंड मत कीजिएगा क्योंकि लोग तो आएंगे ही। ये देखो ये है प्रेम मंदिर, और यहाँ से अभी आए हैं। फोटो शूट चल रहा है हर जगह। जय श्री कृष्णा। तो चलिए चलते हैं मंदिर के थोड़ा और अंदर। तो अभी यहाँ से मैं आई हूँ एकदम सामने की तरफ, जैसे एंट्री की थी तो साइड के मैंने जो भी है सजावट थी जो भी बनाया हुआ था आपको दिखाया है, यहाँ से हमने लिया है लेफ्ट। और लेफ्ट लेते ही कुछ इस तरह का नज़ारा है, तो आप देख सकते हो इस तरह की झांकियाँ बना रखी हैं। और सामने देखो वो जो शेषनाग के सर पर श्री कृष्ण जी ने नृत्य किया था उसकी झांकी बना रखी है। और यहाँ पे सामने इधर मंदिर है, तो पहले हम सीधे आए, वहाँ से हमने ये लेफ्ट लिया, अब यहाँ से आप देखो कि इस तरफ हम सीधे जाएंगे। तो मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा हम तो वैसे भी करते हैं, और यहाँ पे तो सभी कर रहे थे क्योंकि मंदिर के चारों तरफ झांकियाँ बनी हुई हैं, तो सभी उनको देखेंगे ही जाहिर सी बात है, और फोटो भी सब लेते ही हैं क्योंकि कोई भी कहीं पे जाता है तो यादें तो साथ में लेके जाता ही है कि हम लोग यहाँ पे गए थे। जब भी आपका देखने का मन होता है तो आप देख सकते हो उस चीज़ को। तो ये हमारे अभी राइट साइड पे प्रेम मंदिर है, और लेफ्ट साइड पे बाउंड्री है, कुछ नहीं है, तो इस थोड़े से रास्ते पे कुछ नहीं है, आगे आएगा अब आप देख सकते हो। तो यह भी यहाँ पे भी इधर एक गेट है, लेकिन हमने एंट्री मेन गेट से की है पीछे से। तो यहाँ से अभी हम ऐसे हल्का सा राइट लेने वाले हैं, राइट तो प्रॉपर ही है लेकिन हमें हल्का सा लेना है क्योंकि हमें झांकियाँ देखते हुए जाना है। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं झांकियाँ देखने। तो कोई ना कोई वीडियो के सामने आ जाता है, कभी किसी का सर आ जाता है, किसी का हाथ आ जाता है, तो अभी किसी को रोक तो नहीं सकते क्योंकि सबको घूमना ही है। लेकिन मैं कभी भी किसी कैमरे के आगे नहीं अड़ती हूँ, पता नहीं लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि नहीं अड़ना चाहिए, तो बहुत बार तो वीडियो ख़राब हो गई मेरी, क्योंकि ये देखो मानते नहीं हैं फिर भी आएंगे। तुम वीडियो बना रहे हो, दूसरा बना रहा है, उसके सामने पता नहीं क्यों आना है सभी को। तो ये मंदिर है हमारा, इसके अंदर भी आपको लेके जाएंगे। तो ये झांकी देखो, ये है अपने ग्वालों के साथ श्री कृष्ण जी गैया चराते हुए, उसकी झांकी बना रखी है। और मतलब हरियाली तो इतनी भी खूबसूरत है ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। जितना खूबसूरत ये कैमरा में लग रही होगी ना, जब आप रियल में देखोगे तो मतलब आप कहोगे ओए होए हो, ये देखो ये पर्वत बनाया हुआ है।
और यहाँ से अभी आगे चलेंगे हम लोग। ये ऐसे पूरा गार्डन है जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही एज इट इज़। इवन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा जब आप इसको एकदम रियल में देखोगे ना, आपको मतलब सुकून मिल जाएगा। चलो हम तो भगवान को मानते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसी जगह पे जब भी जाते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से ऐसी ही जगह पे जाते आए हैं, पेरेंट्स हमारे ऐसे लेके जाते थे। तो कहते हैं ना, जो बच्चा घर में देखता है वही सीखता है। तो सामने देखो, सामने ये श्री कृष्ण जी की एक और झांकी है, जो रासलीला करते हुए सभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण जी। देखो जितनी भी गोपियाँ सभी के साथ श्री कृष्ण जी हैं, और वो इसीलिए उनको कहते हैं ना रास रचैया, तो वो उन्होंने झांकी बनाई हुई है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत। और ये मूविंग झांकियाँ हैं यहाँ पे ना सारी, आपने देखा होगा अभी, देखो सब मूव कर रही हैं ये वाली। अभी आगे जैसे पहले तो जो झांकियाँ थी वो एकदम स्टेबल थी, अभी जितनी आएंगी वो सब मूविंग आ रही हैं। सामने देखो गीता उपदेश की झांकी बना रखी है, और इसका तो मैं आपको एक्चुअली प्लेस का व्लॉग बना के दिखा चुकी हूँ कहाँ पे गीता उपदेश हुआ था कुरुक्षेत्रा में। जिसने नहीं देखा है जाके देख लेना वो व्लॉग भी। तो यहाँ पे तो वैसे बना रखी है, लेकिन मैंने एकदम उसी प्लेस पे जहाँ पे गीता उपदेश हुआ था वहाँ पे आपको बताया कि वहाँ हुआ था। और ये यहाँ पे फुहारे लगा रखे थे, ये ऐसे पीछे झांकियाँ थी, ये लेफ्ट में फुहारा और इधर गीता उपदेश। और फिर हम यहाँ से घूमेंगे तो इधर ये है रास रचैया हमारे कान्हा जी। कान्हा जी तो हर जगह ही हैं। और यहाँ से अभी हम जाएंगे सीधे, तो आप देखो कि हम कितना घूमे हैं, मतलब आप इसमें घूमते घूमते थक जाओगे, ये इतना बड़ा। और हम लोग ऑलरेडी थके हुए थे क्योंकि हम बरसाना गोवर्धन करके आए थे, तो मेरे मतलब हमारी हालत भी ख़राब थी, लेकिन तब भी हमारा मन नहीं भर रहा था। क्योंकि हमारी आदत है जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हम रूम पे नहीं रुकते बिल्कुल भी। रूम पे हम रात को जाएंगे लेट और सोएंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को ये रहता है कि हम जल्दी जल्दी ये भी देख लें वो भी देख लें। क्योंकि अगर आपको सोना है तो घर पे ही सो जाओ ना, तो बाहर जाके रूम लेके क्यों सोना है कहीं पे। तो जो काम करने आए हैं वो करना चाहिए। और ये है देखो गोवर्धन पर्वत बनाया हुआ है यहाँ पे, गोवर्धन पर्वत की झांकी। और सामने जो आप देख रहे हो वहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ हैं जो कि इस व्लॉग में नहीं है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएंगी। और अभी नाइट में प्रेम मंदिर कैसा लगता है उसका भी व्लॉग आएगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जा रहा था। राधे राधे।